ई श्रम कार्ड की नई लिस्ट हुई जारी, इनके खाते में पैसे आने शुरू हुए, चेक करें अपना नाम। श्रम कार्ड वालों को हर महीने 3,000 रुपये भरना होगा यह फॉर्म। इस दिन से सरकार ने सभी किसानों, गरीब महिला और 18 साल के ऊपर सभी लाभार्थियों के खातों में पैसा भेजना किया शुरू। वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा अंत तक देखें। कैसे मिलेगा आपको यह योजना का लाभ, उससे पहले चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ऐसे ही योजनाओं के सभी अपडेट पाने के लिए। केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से कर्मचारियों के लिए कई प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, इनमें से एक ई श्रम कार्ड योजना भी है। अगर आप भी इस योजना का लाभ ले रहे हैं तो आज की यह खबर सुनकर आप काफी खुश होने वाले हैं। केंद्र सरकार की तरफ से इसकी नई लिस्ट जारी कर दी गई है। आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में डिटेल जानकारी देने वाले हैं। ई श्रम कार्ड श्रमिक वर्ग के लोगों के बीच बेहद ही प्रचलित योजना है। इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाया जाना है। बता दें कि इस योजना का लाभ ले रहे कर्मचारियों को सरकार की तरफ से चलाई जा रही अन्य योजनाओं का भी लाभ मिल जाता है। हाल ही में केंद्र सरकार की तरफ से इस योजना की नई लिस्ट जारी की गई है। अगर आपने भी आवेदन किया था तो आप देख सकते हैं कि आपका इस लिस्ट में नाम आ गया होगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आप लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ई श्रम कार्ड योजना के अंतर्गत सभी किस्तों का पेमेंट स्टेटस भी आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से काफी आसानी से चेक कर सकते हैं। सरकार की तरफ से सहायता राशि अकाउंट में उपलब्ध करवाई जा रही है। हाल ही में सरकार की तरफ से नई किस्त जारी की गई है। अगर आपने भी इस योजना के लिए आवेदन किया हुआ है तो आपको निश्चित रूप से इस नई किस्त का लाभ मिला होगा। अगर आपने अभी तक इसके लिए आवेदन नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द आवेदन कर सकते हैं। अगर आपका भी श्रम कार्ड बना हुआ है तो आपको भी श्रम कार्ड में हर महीने 3,000 रुपये मिल सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको श्रमिक पेंशन योजना का फॉर्म भरना होगा। श्रमिक पेंशन योजना सालाना 33,000 रुपये और महीने के 3,000 रुपये पेंशन प्राप्त करने के लिए आप सभी को श्रमिक मंधन पेंशन योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म भरना होगा, जिसे श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने मोबाइल से भर सकते हैं। श्रम कार्ड 3,000 रुपये पेमेंट प्राप्त करने के लिए पेंशन प्राप्ति हेतु निम्नलिखित 6 डॉक्यूमेंट चाहिए। आधार कार्ड, श्रम कार्ड, श्रम कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर, लेबर कार्ड यदि हो, बैंक खाता, व्यक्तिगत जानकारी। श्रम कार्ड 3,000 रुपये हर महीने प्राप्त करने के लिए श्रमिक की पात्रता का होना आवश्यक है। आवेदक, एक श्रम कार्ड धारक होना चाहिए। श्रम कार्ड से आधार नंबर लिंक होना चाहिए। आधार और बैंक खाता लिंक होना चाहिए। उम्र 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। फॉर्म भरने के बाद आपको हर महीने 3,000 रुपये पेंशन निश्चित समय के बाद मिलने शुरू हो जाएगी। इसके लिए आपको कुछ कंट्रीब्यूशन करना होगा। श्रम कार्ड पेंशन फॉर्म 3,000 रुपये वाला भरने के लिए नीचे दी गई जानकारी को पढ़ें और दिए गए डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करें। सबसे पहले श्रम कार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट ashram.gov.in इस पर जाएं। वेबसाइट पर श्रम कार्ड पेंशन रजिस्टर 10 पर क्लिक करें। वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरें। सभी आवश्यक डिटेल, व्यक्तिगत जानकारी, श्रम कार्ड नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता नंबर सही सही दर्ज करें। अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करके अपना 3,000 रुपये महीना वाला श्रमिक पेंशन फॉर्म भरकर सबमिट कर दें। जैसे ही सरकार पैसे भेजना शुरू कर देंगे, आपके खाते में पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी? पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ऐसे ही तमाम सरकार की बड़ी योजनाओं से जुड़े रहने के लिए। समय समय पर हम आपको ऐसे ही जानकारी देते रहेंगे।